देश में राष्ट्रवाद के माहौल के बीच आरएसएस के डंडे का मुकाबला कांग्रेस पार्टी सेवा दल के झंडे से करेगी। जी हां, कांग्रेस पार्टी अब भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तोड़ के लिए सेवा दल को बूथ स्तर पर उतारने की तैयारी कर चुकी है। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सेवा दल ने सफेद टोपी और झंडा अभियान की तैयारियां भी शुरू कर दी और इसी को लेकर सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई ने दिल्ली में मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान लालजी देसाई ने कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए आरएसएस की सच्चाई जनता को बताई जाएगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। पत्रकार साथियों से जो हमारा बात हुआ है कि लोकसभा में हमारे जो कार्यकर्ता है वो चुनाव के कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एक मुखौटा जो है देशभक्ति का, उसको हम लोग बेनकाब करेंगे। और खास करके जो राष्ट्रवाद की उनकी जो बात है, जब जब चुनाव आता है और राष्ट्रवाद उनके चेहरों पर दिखने का नाटक जो होता है उसको हम लोग एक्सपोज करेंगे। खास करके कि देश सुरक्षित हाथों में है, ऐसी बात करने वाले लोग जैसे चुनाव आता है अचानक कहीं ना कहीं और सुरक्षा का माहौल कैसे खड़ा हो जाता है समझ में नहीं आता है, ये इनकी बहुत पुरानी गेम है, तो उसको एक्सपोज करेंगे। और साथ ही साथ हम लगातार ये कहेंगे कि देश का चुनाव भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान स्मशान कब्रिस्तान या मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे पर नहीं, देश का जो चुनाव है वो जनता के मुद्दे पर होना चाहिए और सेवा दल उन मुद्दों। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।